तो आपने भी स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलस इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अब उसके बाद जब आप उसको लॉन्च करते हैं, अगर तो लॉन्च हो जाती है तो कुछ देर बाद क्रैश कर जाती है, या फिर उससे पहले ही गेम आपकी लॉन्च ही नहीं होती। उसका सलूशन मैंने ढूंढ लिया, तो वीडियो लास्ट तक आपने लाजमी देखनी है। थोड़ा सा गेम का बैकग्राउंड दे दूं कि ये गेम जब आई थी स्पाइडरमैन रीमास्टर की तरह, इसमें भी थोड़े से ग्लिचेस थे, तो इसके लिए 3 पैचेस उन्होंने लॉन्च किए थे। तो वो पैचेस ही मैं आपको दूंगा और उनकी जो सीक्वेंस वाइज कैसे हैं, आपने उनको इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो वर्जन है वो मैं आपको नीचे शो करवा रहा हूँ कैसे आपने करना है। तो वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 116 वाला है, 116 से लेकर 121 है, वो पहले आपने इंस्टॉल करना है। तो वो इंस्टॉल करने के बाद, ये ज़रूरी नहीं कि आप गेम के अंदर इसको पहले पेस्ट करें जैसे मैं कर रहा हूँ, वहीं से आप इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। तो जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सी सिलेक्ट होगा, आपने जहाँ पे अपनी गेम जो इंस्टॉल करी है वहाँ पे इसको आपने ब्राउज कर देना है, उसको बता देना कि यहाँ पे मैंने गेम इंस्टॉल की है। जैसे मैंने डी में की है तो उसको पूरी एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे गेम का फोल्डर पड़ा है उसको क्लिक करके आपने इसको इंस्टॉल पे लगा देना। अब ये जो पहले वाली अपडेट है ये तो थोड़ी जल्दी हो जाती है, उसके बाद ये होगी। अब उससे नीचे वाली तरतीब आपने नोट लाजमी करनी है, क्योंकि अगर आपने तरतीब ऊपर नीचे कर दी तो आपकी गेम्स की फाइल जो है वो करप्ट हो जाएंगी, फिर गेम सारी दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो तरतीब माइंड में रखनी है, सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए। तो ये होगी। उसके बाद अब है वर्जन 122 से आगे हमने करनी है, मतलब 121 पे हमारा वर्जन गेम का आ गया, अब 121 से 122 पे हमने जाना है। तो उसके लिए ये अगली फाइल है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ से लॉन्च करके दोबारा इसको भी हमने बता देना है कि हमारी गेम यहां पे पड़ी है जैसे मैं इसको बता रहा हूं। और ये जो है अपडेट, ये थोड़ा टाइम लेगी। अब ये नहीं मुझे पता कितना टाइम आपका लेगी, मेरे तो तकरीबन 15-20 मिनट ये ले गई थी। तो ये टाइम लेगी, जब तक ये फिनिश नहीं होती कंप्यूटर को छोड़ दो, अब वेट करो जब तक ये कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद अब जब ये हो जाए, उसके बाद आपने दूसरी करनी है, वो है अब 122 से 130, तो उसको आपने इंस्टॉल करना है, वो भी वही सेम प्रोसेस, लोकेशन आपने बतानी है, और ये भी टाइम इतना ही लेती है जितनी वो पीछे वाली जो इंस्टॉलेशन थी वो लेगी, मतलब 20 मिनट, ये भी ले जाती है, ये इससे ज्यादा भी ले सकती है, तो इतना टाइम ये भी लेगी। तो ये तीनों पैचेस करने के बाद अब आपकी गेम जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगी, क्योंकि इसका यही सलूशन आया है। इन तीनों को आपने तरतीब से इंस्टॉल करना है और आपकी गेम के जितने भी मसले हैं वो फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद आपकी गेम बिल्कुल ठीक चलेगी। तो अगर आपने स्पाइडरमैन रीमास्टर के इश्यूज फिक्स करने हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो कवर की थी, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।